फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उपासना त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप क्रॉनिक इलनेस से उठे हैं, कोई लंबी बीमारी से उठे हैं, आपको बहुत वीकनेस है या वायरल सीजन भी चल रहा है, आप किसी फीवर से उठे हैं और आपको बड़ी कमजोरी जैसा फील हो रहा है या घर में किसी और को ऐसा हो रहा है, तो क्या चीजें हैं, किन किन चीजों का आप ध्यान रख सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि आपकी रिकवरी पूरी हो, हीलिंग प्रॉपर हो। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा कि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले, और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मुझे अक्सर कुछ कमेंट्स आते हैं कि मैम मुझे ये बीमारी हुई थी, या मुझे टाइफॉइड हुआ था, या फिर मुझे फीवर हुआ था, या मुझे अभी वायरल फीवर से मैं उठी हूँ, या कोई भी और प्रॉब्लम हुई, मुझे बहुत वीकनेस जैसी फीलिंग आती है, मैं ठीक फील नहीं करती हूँ, कमजोरी फील करती हूँ, या आपके घर में कोई और इस तरह के सिम्टम्स को नोटिस कर रहा है, तो क्या ऐसी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको ओआरएस आता है, आप नॉर्मल ओआरएस खरीद लीजिए किसी भी मेडिकल स्टोर से। आपको डेली ओआरएस का 1 से 2 पैकेट पीना है, मतलब कि क्योंकि आपकी जब भी कोई फीवर होता है बॉडी के अंदर, तो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस हो जाता है, बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन हो जाता है, उसकी वजह से चाहे आप पानी उस टाइम नॉर्मल भी पी रहे थे बट वीकनेस आ जाती है। तो आपको 1 से 2 पैकेट ओआरएस डेली सेवन करना है, जब तक कि आपको अच्छा फील होना ना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो 1 लीटर पानी लीजिए, उसमें उसको उबाल लीजिए, उसको ठंडा करके उसमें 1 पैकेट डाल दीजिए, उसे पूरा दिन में पीते रहिए, ऐसे आप 1 से 2 पैकेट डेली आप ले सकते हैं। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि आपको कैल्शियम की, बेसिकली अगर मैं बात करूं तो शेलकेल 500 नाम से एक मेडिसिन आती है, आप कोई भी कैल्शियम सप्लीमेंट ले सकते हैं जिसमें कैल्शियम और विटामिन डी भी हो। बेसिकली जो भी आपकी वीकनेस आई है या बॉडी के अंदर कमजोरी आई है, बोन्स वीक हुई है जिसकी वजह से वीकनेस फील हो रही है, उसमें आपको आराम मिलेगा। इसके अलावा आपको मल्टीविटामिन, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस हुआ है, न्यूट्रिएंट्स का लॉस हुआ है उस टाइम पे, हो सकता है आप ठीक तरह से खा पी नहीं पा रहे थे, उसकी वजह से वीकनेस है, तो आपको कोई भी एक मल्टीविटामिन आप ले सकते हैं, को इतने सारे अवेलेबल है मार्केट में, A to Z ले सकते हैं, या रिवाइटल आता है, रिवाइटल वुमेन अलग आता है, रिवाइटल मैन अलग आता है, आप कोई सा भी ले सकते हैं। उसके अलावा आपको अपनी डाइट पे ध्यान देना है। अब आपको डाइट में प्रोटीन का इंटेक थोड़ा बढ़ाना है, क्योंकि प्रोटीन बेसिकली जो हमारी बॉडी में हीलिंग का काम करता है, हमारी बॉडी को रिपेयर करने के लिए काम करता है, तो आपको देखना है कि क्या आप प्रोटीन प्रॉपर ले रहे हैं या नहीं। अगर प्रॉपर की बात करें तो जितना आपका बॉडी वेट है अप्रॉक्स, उससे 1 ग्राम पर बॉडी वेट, मतलब अगर आप 70 किलो के हैं तो 70 ग्राम प्रोटीन आपको पूरा दिन में लेना है, उसको आप अपने सारे मील्स में थोड़ा थोड़ा करके डिवाइड कर लीजिए, कि थोड़ा अमाउंट आप ब्रेकफास्ट में ले लें, कुछ आप लंच में ले लें, कुछ डिनर में ले लें, कुछ इवनिंग स्नैक्स में ले लें। तो आपको प्रोटीन का इंटेक अच्छा करना है, जिससे कि आपकी बॉडी के अंदर जो रिपेयरिंग है वो अच्छी तरह से हो पाए। कार्ब्स को कम्प्लीटली आपको कट नहीं करना है। लोग क्या करते हैं कि कई बार प्रॉपरली नहीं खाते हैं, तो नहीं, आपको जो पूरे अनाज है, जो आपको रोटी वगैरह है, चावल वगैरह, वो आपको खाना है, ऐसा नहीं है कि उसको खत्म कर देना है, उसको नहीं खाना है, वो भी खाना है, पर प्रोटीन के ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है। फाइबर के ऊपर अच्छा ध्यान देना है, सैलड्स वगैरह का इंटेक करना है, जिससे कि जो बॉडी के अंदर आपके गुड बैक्टीरियाज हैं वो अच्छी तरह काम करें। दूसरा, फाइबर्स जो है आपकी बॉडी के अंदर कॉन्स्टिपेशन वगैरह रिलीव करने में हेल्प करता है, बॉडी के और भी चीज़ें हैं जिनको फ्लश आउट करने में हेल्प करता है, तो इसलिए आपको फाइबर का ध्यान रखना है, आपको सैलड वगैरह का इंटेक करना है। अगर आपको ठीक लगता है तो आपको दही अगर सूट करता है या छाछ वगैरह, तो आप जो है छाछ बनाकर भी पी सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर गुड बैक्टीरियाज होते हैं, वो प्रोबायोटिक का काम करता है, तो आपको हेल्प करेगा आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को हील करने में, अच्छा करने में। इसके अलावा बाहर की कुछ टाइम के लिए, बिल्कुल अगर आप बहुत फूडी हैं, आपको बहुत पसंद है बाहर का जंक, तो कुछ टाइम के लिए ये बाहर की सारी चीज़ों को आप कट डाउन कर दीजिए, ये चीज़ें आपको नहीं लेनी है बिल्कुल भी, और आपको ट्राई करना है कि आप घर का बना हुआ ही खाना खाएं। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा कुछ अनहेल्दी खाने का भी मन कर रहा है तो ट्राई कीजिए कि वो घर में ही कुक्ड हो। इसके अलावा आपको हरी पत्तेदार सब्जियां डेली अपनी डाइट में ऐड कीजिए, पनीर ऐड कीजिए, दूध को ऐड कीजिए, लेकिन जो मैंने सप्लीमेंट्स बोले हैं कुछ टाइम उन्हें ज़रूर लीजिए। फ्रूट्स को ऐड कीजिए, स्पेशली ऐसे फ्रूट्स जो आयरन का रिच सोर्स हैं, जैसे कि आप डेली अनार खा सकते हैं, आपको अनार खाना है, ड्राई फ्रूट्स को अपनी डाइट में ऐड कीजिए, ये सब हेल्प करेंगे। अगर सप्लीमेंट्स की बात करूँ तो आपको कैल्शियम विटामिन डी वाला कोई एक सप्लीमेंट लेना है, कोई एक मल्टीविटामिन लेना है, और उसके साथ आपको ओआरएस का पैकेट पीने हैं डेली 1
एक से दो। अगर ये बात करें तो ये कितने दिन आप ये रिजीम फॉलो करना है, जो सप्लीमेंट्स है सप्लीमेंट्स को आप 3 हफ्ते लीजिए, फिर 1 हफ्ते का गैप कर दीजिए, फिर 3 हफ्ते लीजिए, फिर 1 हफ्ते का गैप कर दीजिए, और ऐसा आप लगातार 3 महीने तक कीजिए, आपको बहुत इंप्रूवमेंट फील होगा। अगर आप ऐसा 3 महीने नहीं करना चाहते हैं तो आप 1 महीने भी ये करके देखिए, आपको डेफिनेटली इससे फायदा लगेगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कोई क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।